व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन को यहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, देखिए बड़ी जल्दी में दौड़ते हुए जा रहे हैं। दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं प्रभु? प्रभु जय सियाराम, जय सियाराम, जय श्री राम, जय जय श्री, जय सियाराम। राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में, राजस्थान, जय गुरुदेव, राजस्थान, राजस्थान के जोधपुर, राजस्थान से आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र। मैं साईं राम, बेंगलोर से। तो देखिए आप देख रहे थे, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी यहाँ पर भारी पुलिस बल की व्यवस्था कर, व्यवस्था करना जी, वो जरूरी है, बहुत हालत खराब है आगे। बिल्कुल सही कहा। जैसी होनी चाहिए थी वैसी व्यवस्था नहीं हो रही है। एक बार मैं आपको टॉप एंगल व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि सपना ऊपर से आपको दिखा रही है, मैं नीचे से आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रही हूँ। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों की भीड़ नजर आएगी। रात भर से ये इंतजार कर रहे हैं कि दरवाजे कब खुलेंगे, कब हम अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि वो कोई भी सामान लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो दरवाजे तक पहुंच गए, उनके पास सामान था, उन्हें वापस लौटा दिया गया है, और थोड़ी नाराजगी इसीलिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ में नजर आ रही है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। व्यवस्था इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई लाइन ही नहीं लगी है। अब देखिए हर कोई आगे जाना चाहता है, हर किसी को होड़ है, और आगे अब तो ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग जो वापस मुड़ कर आए हैं, वहाँ पर चेकिंग बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन फिलहाल जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, लेकिन असमर्थ नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये देखिए ये भीड़ देखिए किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को धक्का देते हुए ये भीड़ जो है, ये जन सैलाब जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए कुछ लोग तो वहाँ पर देखिए वो दीवारों पर खड़े हो गए, दीवारों पर खड़े हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि बस वो दर्शन कर लें, लेकिन व्यवस्था अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। देखिए आज पहला दिन है, लोगों को उम्मीद नहीं थी या प्रशासन को शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। हालांकि अभी भी देखिए हिम्मत यहाँ पर लोगों में है, भक्ति रस अभी भी लोगों में है, हाथ हिलाकर जय श्री राम के जय घोष कर रहे हैं, जय श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन देखिए व्यवस्थाएं अभी फिलहाल दुरुस्त नहीं है। सपना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सपना कुछ और तस्वीरें दिखाइए, कब तक दुरुस्त हो सकता है? अब देखिए प्रशासन को ये ठीक करना होगा, और पुलिस भी कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही है भीड़ को। अभी जो जानकारी मिल पा रही है, अब संज्ञान लेना शुरू कर दिया गया इस पर, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आपको एक्शन दिखाई दे या ज्यादा पुलिस दिखाई दे। मैं उस तस्वीर को देखकर हैरान हूँ कि सोचिए आप, पुलिस वाले तक फंसे हुए हैं, वो तक नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ गई है। इस वक्त जरूरत है कि यहाँ पर और ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाए, इसलिए नहीं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, धकेला जाए, इसलिए कि काबू किया जाए। अरुण का रुख करते हैं, अरुण क्या तस्वीर? देखिए आप एकदम सही कह रहे हैं सपना, जल्दी से जल्दी प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ रुक नहीं रही है। किसी भी पॉइंट पर भीड़ को रोका नहीं जा रहा है। जब सब लोग मंदिर के पास चले आएंगे तो भगदड़ की स्थिति हो सकती है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, जरा बजाइए कहाँ से आया? पंडरपुर से। बजा के दिखाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीतारा, जय राम जय राम जय जय राम। कहाँ से? हम मीरापुर सुतौली से हैं। आप मोदी की तस्वीर घूम रहे हैं? हाँ। क्या वजह इसकी? इसके राम मंदिर के यहाँ आए हैं। अच्छा। हाँ, तो आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन? जी जी, हमारे सहयोगी रवि भी, हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए, जरा उनके पास चलते हैं। रवि, अरुण अरुण एक बार तस्वीरें एक बार दोबारा मैं दिखाऊंगा दर्शकों को। ये देखिए किस तरीके से जोश है, लगातार लगातार लोग पहुंचे जा रहे हैं। ये देखें, ये मेन रोड की तरफ से आ रहे हैं, लोगों का रेला लगा हुआ है। भीड़ कहां से भी, क्या कहां से? महाराष्ट्र। अच्छा, ये भीड़ तो बहुत ज्यादा है, दर्शन हो पाएंगे?
आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र दर्शन हो गया? अच्छा दर्शन हो गया। अच्छा दर्शन, हाँ शांत दर्शन लगा। अच्छा लगा। नंबर एक, हाँ नंबर एक लगा, बहुत भारी है। अंदर तक पहुँच गए थे? अंदर जाके प्रसाद लेके, भीड़ तो बहुत है। बहुत है, बहुत। प्रसाद में क्या दिया है दिखाइए जरा। ये फूल ये कहाँ से मिला? हाँ उधर उधर मंदिर में मिला हमको। अच्छा बहुत पंडित जी ने दिया है। ये देखे, ये प्रसाद के तौर पर या तो लड्डू है या फिर ये देखे राना प्रसाद, बहुत अच्छा लगा। और इसके बीच में हमारे सहयोगी सपना भी है और वहाँ पर भी काफी भीड़ है। सपना वहाँ पर क्या दिख रहा है? अरे रवि रवि देखिए, वो बच्चा खो गया है किसी का और किसकी स्थिति हो गई है। पुलिस को हाथ में लेकर चलना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है किसका बच्चा है। ये देखिए, ये पता ही नहीं है। ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पर बच्चे अब माँ बाप से बिछड़ चुके हैं, नहीं पता चल रहा है कि माता पिता कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। कोई भीड़ में रो रहा है। ये देखिए, बच्चों के रोते हुए बिलखते हुए तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। बहुत बुरी स्थिति हो गई है। एक झोंका आता है उधर की तरफ सब चले जाते हैं। ये स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। इस वक्त जरूरत सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहां अरुण मौजूद है सुग्रीव किला के पास में, वहां किसी को लगाना चाहिए ताकि वो वहां से ये बताता रहे कि आप अंदर ये चीजें नहीं ले जा सकते, या थोड़ा सा भीड़ को रोका जाए वहीं पर। बहुत बुरी स्थिति हो गई है। यहां देखिए पुलिस रोक रही है लेकिन किसी को नहीं पता है कि कहां से जाना है, क्या करना है। और वो बच्चा, बुरी स्थिति है, नहीं पता है कि किसका बच्चा है। ऐसे एक दो नहीं है, कई लोग हैं जिनके माँ बाप आगे निकल गए हैं, बच्चा पीछे रह गया है। अब तो चेक पोस्ट के पास भी भीड़ बढ़ने लगी है। इस वक्त बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक उपाय रह गया है कि प्रशासन को यहाँ पर मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। ये देखिए ये स्थिति है। देखिए कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, धक्का लगता है, एक तरफ हो जाते हैं। और इसमें सबसे बुरी स्थिति बच्चों की हो गई है। बुजुर्ग बच्चे दबे हुए। मोनिका आप दिखाइए तस्वीरें, वहीं पर मौजूद है, मैं आपको देख पा रही हूँ। बिल्कुल देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है, धक्का मुक्की ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग जो है सामने से वापस आए। आप कहाँ से आए वापस? मैं रहने वाला बिहार का हूँ। नहीं नहीं, आप सामान लेकर अंदर गए थे, फिर क्या हुआ? सामान लेकर अंदर गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने भगा दिया। सामान सब चेक इन होता है, कुछ लेकर लॉकर में। कुछ लेकर लॉकर में चोरी। हाँ देखिए, व्यवस्था इसलिए भी दुरुस्त नहीं है। लाउड स्पीकर या कोई अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रही है। लोग देखिए, वो देखिए किस तरीके से सामान लाद कर अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं। मोबाइल फोन हाथ में नहीं ले जाने, बैग नहीं लेके जाने हैं आपको। लेकिन यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट इस तरीके से नहीं हो रही है आम जनता के लिए। और यही वजह है कि एकाएक जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाएं नहीं है, हमें दूर दूर तक पुलिस प्रशासन की कोई टीम फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भीड़ को काबू करने की थोड़ी कोशिश होती है तो एक दूसरे को धक्का मार के लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ तस्वीरें दिखाइए आप, देखिए ये देखिए महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई हैं, बच्चे किस तरह खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए महिलाएं और बच्चे कैसे सोए हुए हैं यहाँ पर। हर कोई चाहता है कि व्यवस्थाएं ठीक हो, दुरुस्त हो। देखिए वो भगदड़ सी मस्ती हुई नजर आ रही है। हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े। वो देखिए कुछ लोग तो पोल पर चढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो पोल पर चढ़ रहे हैं। अरुण देखिए, हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर स्थिति अभी ठीक नहीं है। लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सब आगे जाना चाह रहे हैं। आप कहाँ पर हैं, क्या स्थिति वहाँ पर, क्योंकि आप तो एंट्री गेट पर हैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ एंट्री गेट की। कहाँ से आए आप लोग? हम उत्तराखंड नैनीताल से आए। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से आए। आप? बंगाल से। आप कहाँ जा रहे हैं? गुड़गांव से जी, गुड़गांव। अभी तो वहाँ बहुत भीड़ है। पहली बात तो ये सामान जो आप लेके जा रहे हैं, ये सामान लेके अंदर नहीं जा सकते। आप मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते, पता आपको? पता है। कहाँ रखेंगे? लॉकर है सुना तो है। लॉकर में अभी समय व्यवस्था नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई अंदर। आप लोग थोड़ा सावधानी चाहिए। देखिए ये जरा देखिए, यहाँ पर जूते चप्पल कैसे लोगों ने यहीं पे निकाल दिए हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में बहुत ज्यादा जानकारी का अभाव है लोगों के अंदर। ये लोग चले आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर माता जी सोच रही है कहीं जूते रखते हैं, कहाँ जूते रखेंगी, जूते चप्पल रखेंगी। आज तो अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। भगवान की इच्छा होगी वहाँ रखेंगे। देखिए हमारे सहयोगी रवि भी है मौजूद, रवि के पास तस्वीरें। रवि दिखाइए क्या माहौल है वहाँ। अरुण 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 एक बार मैं तस्वीरें फिर दिखाना चाहूंगा कि कितनी ज्यादा भीड़ है। क्योंकि आज महत्वपूर्ण ये है कि राम मंदिर के कपाट खुल गए हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे किस तरीके से दाहिनी तरफ दिखाएंगे। और यहाँ पर एक शेड है, तीन शेड है। ये देखिए तमाम ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम बीकानेर राजस्थान। अभी क्यों बैठे हैं आप? मंदिर के दर्शन करने के लिए, भीड़ बहुत ज्यादा है। अंदर जा नहीं पाई? जा नहीं। कितना देर इंतजार करेंगी?
जितनी देर भगवान करवाएगा। अच्छा ये देखे जी क्यों इंतजार कर रही है? बीकानेर से आया राजस्थान, बीकानेर से दर्शन। देखे यहाँ पर तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। सपना सपना वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी भीड़ होगी काफी ज्यादा। मैं ऊपर से तस्वीरें अभी दिखा रही हूँ और मैं अपने सभी सहयोगियों को कहना चाहूंगी बहुत ध्यान अपना रखिए, इस भीड़ में बहुत जरूरत है कि अपना ध्यान रखा जाए। देखिए पुलिस वालों से धक्का मुक्की हो गई है, देखिए वहाँ पर वो कोने की तस्वीर दिखाइए किशन, देखिए पुलिस वालों से धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चीज को काबू किया जाए। वो सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं वो रैप होकर जो रखा है वो दरअसल चेनर है, अगर उसको खोल दिया जाए तो पूरी तरीके से इसको ये बैरिकेड कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त उसको खोलने में भी बहुत समय लगेगा। देखिए वो देखिए उस कोने से रोका गया, पुलिस वाले भी फंस गए हैं वहां पर, उनको भी वहां से निकालना मुश्किल हो गया। अरुण अरुण क्या तस्वीर। देखिए ये लोग कहां से आए दर्शन करने, जरा इनकी स्टाइल देखिए। जोर से बोलो जय श्री राम, प्यार से बोलो जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, अरे मिलकर बोलो जय श्री राम, अरे नाच के बोलो जय श्री राम, अरे नाच के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, कहां से आए आप? हम ओडिशा गंजाम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, कितने लोग आए? हम लोग 15 लोग आए हैं, 15 लोग, 15-20 आए, सब ओडिशा के हैं। अच्छा। और सेवा किए हैं। हाँ। सेवा के साथ अब सबको नाच गा करके प्रभु राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए अब चलते हैं मोनिका के पास, हमारी सहयोगी मोनिका। मोनिका ओवर टू यू। मोनिका पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में हम आपको दिखा रहे हैं और अपील भी इसके साथ साथ कर रहे हैं, जितने लोग हैं जो अभी टीवी देख रहे हैं, अगर अयोध्या से टीवी देख रहे हैं अभी थोड़ा रुक जाइए, आपको दर्शन जरूर होंगे, राम जी आपको दर्शन देंगे, लेकिन इस स्थिति में दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने साथ जो बच्चे लेकर आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त। मोनिका का रुक करेंगे, अगर मोनिका को आवाज मिल रही है, मोनिका अपना ध्यान भी रखिए और तस्वीरें भी दिखाइए। तस्वीर में दिखाना चाहूंगी वो देखिए व्हील चेयर लेकर लोग आए हुए हैं, ये देखिए सिर पर व्हील चेयर लेकर लोग जो इंतजार कर रहे हैं लाइनों में। ये तस्वीर अगर आप देखना चाहें आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए प्रशासन को ये तस्वीरें देखनी होंगी। लोग देखिए कैसे भीड़ में वो देखिए व्हील चेयर लेकर आए हुए हैं, देखिए लोग सिर पर व्हील चेयर लेकर आए हुए हैं लोग। कुछ लोगों के यहाँ पर दर्शन जरूर हुए हैं, उनका कहना है उन्हें पता था पहले से ही कि उन्हें फोन मोबाइल बैग लेकर नहीं आना, लेकिन वो देखिए किस तरीके से व्हील चेयर लेकर आ रहे हैं। अच्छा एक बार मैं ये टेंट की तस्वीरें आपको दिखा दूं, टेंट की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, मेरे कैमरे पर्सन रकुल आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए कुछ लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भीड़ जो है वो थोड़ी सी तितर बितर होगी। और ये देखिए ये वो जा रहे हैं कि हम अंदर जा पाए, लेकिन इस तरफ की जो भीड़ है, एक बार इस तरफ की जो भीड़ है वो देखिए व्हील चेयर लेकर पास हो रहे, इस तरफ की जो भीड़ है वो चाह रही है कि अंदर जाए। वो देखिए कुछ लोग दीवारों पर खड़े हो गए, सामने देखिए दीवारों पर खड़े हो गए हैं, वो देखिए कुछ लोग पोल पर खड़े हो गए हैं। अच्छा अभी जो व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है क्योंकि अनाउंसमेंट्स हो ही नहीं रही है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, व्यवस्था इसीलिए कहीं ना कहीं जो है दुरुस्त नहीं हो पा रही है। रवि आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए श्रद्धा भाव तो है लेकिन व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी पहले दिन नजर आ रही है। और क्या मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ उसे थोड़ी सी अलग तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये जो लाइन लगी हुई है, ये कतार जो लगी है, ये लॉकर की लगी हुई है, राम मंदिर के लॉकर की लगी हुई है। और यहाँ यहीं पर क्योंकि एंट्री पॉइंट से काफी पहले ही यहीं पर अपने सामान आप रख कर फिर इसके बाद अंदर जाने की इजाजत है और इसके लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है। ये लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कुछ लोग दर्शन करने के लिए अब वापस जा रहे हैं, दर्शन कर भी चुके हैं। ये बताइए दर्शन हुए? दर्शन हुए। अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। 4:30 बजे हम लोग लाइन लगाए थे। अच्छा लगा, अच्छा लगा। और इस बीच में अरुण अरुण वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके की तस्वीर आप दिखाएंगे? देखिए मैं आपको वही तस्वीरें फिर दिखा रहा हूँ, लोग चले ही आ रहे हैं। देखिए बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं उनके साथ, महिलाएं हैं, ये लोग चले ही आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? देवरिया से आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है अंदर से आना ही नहीं, वापस लग रहा है। दर्शन हो गए? हाँ दर्शन हो गए। हाँ दर्शन हो गए।
कहाँ से आ रहे हैं प्रभु? बिहार से, बिहार से। दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। आपका सोलापुर से आ रहे? अच्छा, तो भीड़ बहुत ज्यादा है। चलता है ना, भगवान के लिए चलता है। भगवान के लिए चलता है, आप कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र सोलापुर से। सोलापुर से ग्यारह दिन उपवास रखा है हम, भगवान के लिए एक दिन तो नहीं कर सकते दर्शन के लिए। हाँ, ये तो हमको करना। मैं राजकोट से आया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मंदिर। आप फोर्स जा रही है, फोर्स जा रही है। अब देखिए, अर्धसैनिक बलों को दौड़ाया गया है, आदेश मिले उनको। अब देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये दौड़ते हुए जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनको उनको भेजा गया है व्यवस्था संभालने के लिए। तस्वीरें दिखाइए जयपाल, तस्वीरें दिखाइए। ये जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनको भेजा गया। अब सैनिक बल के जवानों को अब लगाया गया है, प्रशासन मुस्तैद हुआ है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। दोबारा मैं दिखाऊंगा आपको, भीड़ देखिए बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। सपना सपना अर्धसैनिक बल के कुछ जवान पहुंचे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ पहुंचना बाकी है। सपना, आप जरा तस्वीरें दिखाइए। सपना, बिल्कुल अरुण, आप सुग्रीव किला गेट पर मौजूद हैं, जहां एंट्रेंस है, वहां से अरुण बता रहे हैं कि देखिए वहां से फोर्स आ रही है। जैसे ही यहां तक पहुंचती है, मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरें, लेकिन मैं आपको बता दूं उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। मुझे वो तस्वीर देखकर हैरानी हो रही है, पुलिस वाले पीछे खड़े हुए हैं, उनकी तक हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भीड़ के अंदर घुसे। वो देखिए वहां स्थिति कितनी बिगड़ गई है, भीड़ के साथ में धक्का मुक्की हो रही है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, वो जो कमांडोज हैं उनको पकड़ना पड़ रहा है। एक कमांडो चार चार लोगों को पकड़ रहा है, तब पकड़ पा रहा है। पीएसी के जवानों के लिए स्थिति बहुत खराब हो गई है इस वक्त। मैं चार पांच पुलिस वाले और आगे आती देख रही हूँ, लेकिन अभी भी और फोर्स की यहाँ जरूरत है लोगों को। फोर्स से ज्यादा एंट्रेंस जहाँ पर अरुण मौजूद है, वहाँ ये बताने की जरूरत है कि आप यहाँ रुक जाइए, अपने फोनों को जमा कराइए, लॉकर बढ़ाइए। अरुण का रुख करूंगी, अरुण लॉकर बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त, लॉकर, सिर्फ और सिर्फ लॉकर बढ़ाने की।